नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने जा रहे हैं रेसिपी में बरीटो, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी है। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यहाँ पर एक बॉल में हम 4 कप मैदा लेंगे। आप चाहे तो 2 कप से भी बना सकते हैं या फिर 1 कप से भी बना सकते हैं। 4 कप आटे से इसलिए मैं बना रही हूँ कि मैं रोटी को स्टोर कर सकूँ बनाकर, ताकि जब मेरा मन करे जब तुरंत बनाकर खा लें। 4 कप आटा में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दें और थोड़ा सा नमक। और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिला लें। जिस तरह से हम नमकीन पाउडर बनाने के लिए आटा को मिलाते हैं, उसी तरह से मिलाना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला दिया। अब हम यहाँ पे पानी लेंगे गरम, जितना हमारा हाथ सह सके उतना ही गरम लेना है पानी, और उसी गरम पानी से हमारे इस आटे को सान लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस आटे को गूंथते जाएं। लेकिन पानी गरम ही लेना है। जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं गूंदकर, उसी तरह से हमें इस आटे को भी गूंदकर तैयार करना है। और बहुत लोग इस आटे में खमीर के लिए मीठा सोडा दोनों यूज करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों यूज करते हैं, हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। 1/2 घंटा के बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। ये देखिए, आटा खूब अच्छे से सेट हो चुका है। इसे 2-3 बार और अच्छे से मसल कर तैयार कर लेंगे और अपने हिसाब से लोई बना लें। लेकिन यहाँ पे लोई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि रोटी भी हमें बड़ी चाहिए। लोई जब तैयार हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा आटा डालेंगे बोर्ड पे और इस तरह से हम रोटी बेल लेंगे। लेकिन रोटी यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए, ताकि जब हम बरीटो बनाए तो अच्छे से फोल्ड कर सके। ये देखिए, बिल्कुल इतनी बड़ी रोटी होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली होनी चाहिए ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए। एक तवा रखेंगे जो बड़ी होनी चाहिए। तवा नॉनस्टिक तवा है तो, या लोहे की तवा है तो, कोई सा भी तवा रखें, लेकिन बड़ी होनी चाहिए। और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस रोटी में हमें बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है सेकने के टाइम में, क्योंकि हम पहले तेल डाल चुके हैं, इसीलिए हम अब तेल नहीं डालेंगे। न घी न ऑयल कोई तरह का भी नहीं यूज करेंगे। और इसी तरह से कपड़ों की सहायता से इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लें, दोनों तरफ। मैं इसी तरह से सारी रोटियों को बेलकर बनाकर रख लूंगी। जिस तरह से मैं सेक रही हूँ, उसी तरह से आप सेक लें। ये देखिए, दोनों तरफ से खूब अच्छे से सिक गया रोटी। अब एक एक करके इसी तरह से सारी रोटी बना लेंगे। जब सारी रोटी बन जाएगा तो फिर हम इसे स्टोर करने के लिए टिफिन में रख देंगे, स्टील के कंटेनर में डालकर रख दें। लेकिन जब भी रखें तो ढककर ही रखें, चाहे 1 रोटी बनाए 2 रोटी बनाए, लेकिन बार बार ढकते रहें। ये देखिए, इतनी सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। हमने किसी भी रोटी में ऑयल से नहीं सेका है, जो मैंने शुरू में डाला है बस वही तेल है, और कुछ कहीं भी तेल हमने यूज नहीं किया है। अब इस तरह से स्टील के कंटेनर में रख कर फ्रीजर में डाल दें, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। अब 1 रोटी इसमें से निकालें और इस तरह से चटनी या सॉस, जो भी आपको पसंद है, इस तरह से आप फैला दें। टोमेटो सॉस हो, हरी चटनी हो, जो भी बहुत तरह के आजकल सॉस आने लगे हैं, चटनी आने लगे मार्केट से, कुछ भी यहाँ पे लगाएं और इस तरह से इसमें फैला दें। मैंने यहाँ पे अंडे को बनाकर इस तरह से डाल रही हूँ, और थोड़ा सा चिकन रोस्ट किया हुआ है उसे मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फ्राई चावल भी डाल सकते हैं, बहुत लोग रोस्ट मछली भी डाल देते हैं।
और प्याज टमाटर से आप इसको गार्निश कर दें। आप चाहे तो वेज में पनीर भी यूज कर सकते हैं, पोटैटो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सैलड पत्ता जो आता है उस पर एक एक करके रख दें। इस पोटैटो में तो सैलड का पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे डाल देंगे चीज। अब इसे हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे। बीच में इसलिए करते ताकि दोनों तरफ से और बीच और दोनों साइड से भी हम अच्छे से फोल्ड कर सकें, इस तरह से। अब ये देखिए, ये फोल्ड हो गया पूरे तरीके से। और इसी तरह से हम आगे और बनाना होगा तो इसी तरह से बनाएंगे, अलग अलग चटनी अलग अलग सॉस के साथ। आप चाहे तो वेज में पनीर भी यूज कर सकते हैं, पोटैटो भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से कट लगा के आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अंदर का कितना जूसी और टेस्टी बनी है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर देखें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। टेक केयर, बाय, धन्यवाद।